अलीगढ़ में युवा कांग्रेसियों ने राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर राहुल गांधी को आगामी प्रधानमंत्री बनाने के लिए हवन भी किया गया। वहीं चीन बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। अलीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड से लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अचलताल स्थित अचल गुमटी पर एक हवन भी आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए दीर्घायु की कामना के साथ ही प्रधानमंत्री बनाए जाने की भी कामना इस महायज्ञ में की गई। यूथ कांग्रेसियों ने कहा कि देश की चीन सीमा पर जो तनातनी चल रही है उसको देखकर लगता है कि देश की मौजूदा भाजपा सरकार उसको मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम नहीं है। हमने यही कामना की है कि जल्द से जल्द देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, जिससे कि देश की एकता व अखंडता बनी रहे। इसके साथ ही हमने ये प्रण भी लिया है कि गलवान घाटी में जो हमारे जवानों के साथ चीनी सैनिकों ने किया है उसको देखते हुए हमने रोज़मर्रा में उपयोग किए जाने वाली चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। वहीं लोगों को कोरोना से संबंधित सामग्री भी वितरित की है। आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन के इस पावन अवसर पर हमने अलीगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा यहां पर हमने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हमने राहुल जी की दीर्घायु के लिए ईश्वर से कामना करी। उसके अतिरिक्त भावी प्रधानमंत्री बने वो देश के, इसकी भी हमने कामना करी। उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने कोरोना न्याय किट बनाई है, जिसके अंतर्गत हमने मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ, विटामिन सी की टेबलेट, अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जो कि हम गरीब जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। अब इसको वितरित करना हम शुरुआत करेंगे और पूरे दिन वितरित करेंगे। आज 50वां जन्मदिन मनाया गया है राहुल जी का। अलीगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा राहुल जी के 50वें जन्मदिन पर हम लोगों ने महायज्ञ का आयोजन किया और ये ईश्वर से कामना करी कि उनको दीर्घायु दे एवं उनको भावी प्रधानमंत्री देश का बनाए, ताकि जो ये इस समय सीमाओं पर जो मुठभेड़ चल रही है लगातार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको मुंहतोड़ जवाब देने में नाकाम है और आर्मी के भी हाथ उन लोगों ने जो है बांध रखे हैं। हम लोगों ने आज ये कामना करी है कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए और देश का, ताकि एकता और अखंडता बनी रहे और हम लोग पुनः एक बार हिंदू मुस्लिम एकता के साथ इस देश में शांति और अमन के साथ रह सकें। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये प्रण भी लिया कि जो गलवान वैली में हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत के लिए हम लोगों ने चाइना का जो भी रोज़मर्रा की सामान है जिनको हम अपने जीवन क्रम में लाते हैं उनका बहिष्कार किया है। या कोई बात किट बांटी है? उसके बाद हमने एक कोरोना न्याय किट करके बांटी है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के आवाहन पर ये किट बांटी है, जिसमें हमने सैनिटाइजर, मास्क और विटामिन सी एवं खाद्य पदार्थ उसमें हम रखे, हमने ज़रूरतमंद एवं भाई लोगों को बांटा है। इस हवन यज्ञ के दौरान कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने राहुल गांधी की दीर्घायु के लिए मंगल कामनाएं की। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।